मतदान होगा तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को उपचुनाव होगा तो बड़ी खबर इस वक्त की। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया, वहीं उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया है। आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी या जुड़े हुए हैं। इंतजार खत्म, अब 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। आलोक, आलोक आवाज आ रही है आपको? जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, तारीख आ चुकी है 13 नवंबर को मतदान उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से उपचुनाव की बात हो रही थी और उत्तर प्रदेश के अगर 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए जहां पे उपचुनाव होना है, और ये 13 नवंबर की डेट आई है और 23 नवंबर को इसकी मतगणना होगी, इससे साफ है। और सबसे बड़ी बात है कि सीटें नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था, कहीं ना कहीं उसके बाद इस तरीके की स्थिति है, क्योंकि उपचुनाव कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा कि आखिर जनता का मूड क्या है। और दूसरा, 2024 में अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए एक सेटबैक हुआ था यहाँ पर। यूपी के 80 लोकसभा सीटों में उम्मीद की जा रही थी कहीं बेहतर नंबर आएगा, लेकिन वो बात नहीं हुई। और उसके बाद अगर ओवरऑल बीजेपी की बहुमत की बात देखी जाए तो वो केंद्र सरकार में या केंद्र की सरकार जो बनी है उसमें साफ नजर आता है। अब देखना यही है कि जो 10 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं, जिसको चुनाव होना है, आखिर उसमें पक्ष और विपक्ष की किस तरह से लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी ने इसका प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बाकी उसके कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी लगभग नाम फाइनल हैं, और उसके जो घटक दल हैं उनमें भी कुछ समन्वय किया जा रहा है। तो अब बात यही है कि इन 13 तारीख को जो चुनाव की घोषणा हुई है उसको लेकर के अब आने वाले समय में माहौल क्या रहेगा, और जिसकी हार और जीत का बड़े दूर तक इसका असर जाएगा। न सिर्फ 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां को भी देखा जाएगा, बल्कि इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, इस बात को भी नापा जा सकता है। यानी कि ये समझा जाए कि वोटर्स का मूड क्या है, ये मापा जा सकता है, क्योंकि करीब एक महीने का वक्त है। सवाल इस बात को लेकर कि जो लोकसभा में नतीजे रहे, ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हौसला हाई है, और दूसरी ओर कहा जाए कि जो डैमेज था उसे कंट्रोल करने की कोशिश में बीजेपी रहेगी। बिल्कुल, देखिए ये 10 सीटों के उपचुनाव की चर्चा उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन 4 जून को मतगणना हुआ था लोकसभा का। इससे इन 10 सीटों के लिए महत्व समझा जा सकता है, और खासतौर पर यूपी की राजनीति और उसके बाद यहाँ के जो पॉलिटिकल महत्व होता है वो आज से नहीं बल्कि हमेशा से समझा जा सकता था। अब इन 10 सीटों पर अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी को ही है कि वो 10 सीटों में से कितनी सीटें जीतती है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष निश्चित तौर पर जो इंडिया ब्लॉक बना हुआ है उनको अपडेट कर देते हैं कि 9 सीट पर ही उपचुनाव होना है। एक सीट मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर, जिस पर अभी चुनाव नहीं होगा, क्योंकि यही एक सीट है। अगर कहा जाए जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद लोकसभा सीट जीती थी, अवधेश प्रसाद सांसद बने, इसे लेकर लगातार बीजेपी को घेर रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और वही मिल्कीपुर सीट जिस पर अभी उपचुनाव नहीं, बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मिल्कीपुर को लेकर के निश्चित तौर पे ये वहां पे ना होकर के अभी 9 विधानसभा पे ही होना है, लेकिन अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा दारोमदार मिल्कीपुर को ही लेकर के हुआ है। और इससे पहले अगर हम देखें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि मिल्कीपुर या अयोध्या मंडल की बात करते हैं और उधर अम्बेडकर नगर, 2 सीटें जहां पर खुद मुख्यमंत्री इसको स्वयं देख रहे थे। इससे पहले वो कई मौके पर मिल्कीपुर और उसके आसपास अयोध्या जिले में जा चुके हैं, कई ऐसे उन्होंने रोजगार मेला और इस तरह की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन इस वक्त मिल्कीपुर का नहीं है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात की पूरी तैयारी कर रही थी कि भले अयोध्या की लोकसभा सीटें हार गई है,
लेकिन वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट तो हर कीमत पे जीतना चाह रही है। अब चूंकि वहां चुनाव नहीं है तो जो असली लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रंग की कमी जरूर होगी, क्योंकि अयोध्या का नाम आते ही एक दूसरे तरीके की राजनीति साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन 9 सीटों की जीत और हार का बेहद महत्वपूर्ण मतलब है, और ये मतलब इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ दोनों ही खेमे से, पक्ष और विपक्ष दोनों ही जगह से पूरी ताकत लगाई जाएगी कि जीत और हार का मतलब बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इस बात को सब जानते हैं कि इस जो 9 सीट। ठीक है आलोक, मानवेंद्र का रुख करते हैं। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोगी प्रयागराज से। मानवेंद्र, फूलपुर अहम सीट, और ऐसे में देखा गया पिछले दिनों की बात की जाए, तारीखों का तो ऐलान हो गया है कि 13 नवंबर को उपचुनाव, लेकिन यहां लेकर पेच गठबंधन में फंस गया था कि ये सीट चाह रही थी कांग्रेस, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का तो ऐलान कर ही दिया था।